नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आठी। सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में, और कम्युनिटी बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा जी। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया रूपा जी। अगर कम्युनिटी बाजार में नॉन एग्री से शुरुआत करें तो गोल्ड में देख रहे हैं कि जो गोल्ड में हमने लेवल्स देखे थे पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन पहले कि गोल्ड 1870-1875 डॉलर की रेंज में था, और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि गोल्ड अब सीधे 1900 डॉलर के पार जा सकता है, लेकिन आज देख रहे हैं कि आज गोल्ड 1827 डॉलर तक नीचे में कारोबार करता नजर आ चुका है। तो आपको क्या लगता है, ये अचानक से ऊपरी स्तर से जो गोल्ड गिरा है ये क्या दर्शाता है? देखिए, जो गोल्ड के अंदर गिरावट आई है, दरअसल एक्सपेक्टेशन है कि फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट एक बार फिर से हाइक किया जा सकता है। इसी डर के माहौल की वजह से गोल्ड जो है ऊपरी स्तरों पर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। वहीं इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है यूएस के अंदर, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड जो है 1820 डॉलर से लेकर 1800 के आसपास जो है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 1800 डॉलर ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे में काफी हैवी करेक्शन की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी फिलहाल जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो सेफ है, डिमांड कम हो चुकी है। और करेंसी की बात करें तो रुपए में लगातार गिरावट आ रही है, डॉलर में लगातार तेजी के चलते सोना ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1800 डॉलर तक सोना लुढ़क सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 50,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, कच्चे तेल में देख रहे हैं कि 2 जून को ओपेक देश की ओपेक और उसके सहयोगी देशों की बैठक हुई थी कि जुलाई और अगस्त में कच्चे तेल का जो उत्पादन है वो 6,48,000 बैरल पर डे के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ चाइना की कैपिटल शंघाई भी फिर से लॉकडाउन में चली गई है, चाइना में भी फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। तो एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ने की बात कही जाना, उस पर एग्री हो जाना, दूसरी तरफ चाइना की तरफ से धीरे धीरे डिमांड कम हो जाना, ऐसे में कच्चे तेल में यहाँ पे नरमी एक्सपेक्टेड थी और नरमी ही बननी चाहिए थी, लेकिन तब भी देख रहे हैं कच्चा तेल 120 डॉलर के ऊपर सस्टेन है, ऐसा क्यों? देखिए, कच्चे तेल का जो सप्लाई है, अभी सप्लाई बढ़ने की बातें की जा रही थी लेकिन अभी सप्लाई को बढ़ाया नहीं गया है। और दूसरा, जो कच्चे तेल की डिमांड है वो कंटिन्यूशन में निकलती दिखाई दी। चाइना में जरूर अभी शंघाई में लॉकडाउन के चलते एक इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से इसकी जो तेजी थी वो कहीं ना कहीं थमती नजर आई है। अदरवाइज अब तक एक्सपेक्ट था कि कच्चा तेल 122 डॉलर के पार निकल चुका होता, क्योंकि टाइट अब सप्लाई अभी भी टाइट बनी हुई है और डिमांड जरूर थोड़ी सी हैम्पर होती हुई इन लेवल्स के ऊपर दिखाई दी है, लेकिन ओवरऑल शॉर्टेज है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूशन में कच्चा तेल 120 डॉलर पर अभी भी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रेंट 122 के पार है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नीचे की रेंज जरूर बन सकती है 118 डॉलर से 110 डॉलर और ऊपर में 122 डॉलर। अगर 122 डॉलर के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो कच्चा तेल 140 डॉलर तक की भी तेजी पकड़ सकता है। ओवरऑल डिमांड और सप्लाई का काफी मिसमैच है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते कच्चे तेल में तेजी फिलहाल बनी रह सकती है। जी रूपा जी, जो डॉलर लगातार तेज हो रहा है और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स तेज हो रही हैं, तो इसका असर बेस मेटल्स पर कैसा दिखेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, इसमें ओवरऑल देखा जाए तो बेस मेटल में पॉजिटिविटी बननी चाहिए, लेकिन अभी जो है मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से यहां से करेक्शन बनती हुई दिखाई दी है। कल के कारोबारी सत्र में हमने कॉपर में अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी, जिंक ऊपरी स्तरों से फिसल चुका है, जिंक में भी गिरावट आई है। अब यहां से थोड़ा सा करेक्शन के और अंदर मार्केट और जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में मान के चलिए कि कॉपर जो है नीचे में 700 हमें लग रहा है कि 740 तक नीचे डाउनसाइड में जा सकता है। और वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक भी नीचे में एक बार 300 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही स्थितियां नॉर्मल होंगी वापस से बेस मेटल्स की डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। लॉन्ग टर्म सिनेरियो अभी भी पॉजिटिव है बेस मेटल का, शॉर्ट टर्म में ये गिरावट बढ़ सकती है और जिसके चलते हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, नेचुरल गैस की बात की जाए तो क्रूड की तरह हमने नेचुरल गैस में भी देखा है कि नेचुरल गैस की भी जो सप्लाई है वो बाधित है, लेकिन देख रहे हैं कि समर डिमांड भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, ये जो नेचुरल गैस है जो बीते दिनों 9 डॉलर के पार गई थी,
तो क्या $10 या उससे भी ऊपर का लेवल दिखा सकती है? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, नेचुरल गैस में $10 का लेवल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी पीछे हमने यूएस के अंदर नेचुरल गैस के स्टॉक को भी गिरते हुए देखा है और अभी जो है डिमांड अभी यहां पर पिकअप होती हुई नजर आ रही है। इन लेवल्स के ऊपर भी मार्केट सस्टेन करता नजर आ रहा है तो यहां से आप मान के चलिए कि 700 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वायदे के अंदर देखने को मिल सकता है और वहीं विदेशी बाजारों की बात करें तो $10 एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जी रूपा जी, आज के लिए आप नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी? देखिए नॉन एग्री में आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव प्रॉपर कॉल रहेगी। गोल्ड और सिल्वर में दबाव बन सकता है, 50,400 तक गोल्ड लुढ़क सकता है 50,400 से 50,380 तक, और वहीं चांदी भी आज 5,900 से लेकर 600 तक नीचे में जा सकती है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। शॉर्ट टर्म में रहेगा मार्केट, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फिर डिप पर बाइंग की रहेगी, लेकिन आज शॉर्ट टर्म इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सेलिंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, बात अगर एग्री कम्युनिटीज की करें तो एग्री कम्युनिटीज में भी हमने देखा है कि जो मेजर एग्री कम्युनिटीज हैं उनके जो प्राइसेस हैं अभी भी इन्फ्लेशन रेट के चलते ऊपरी स्तर पर बने हुए हैं, तो आपको क्या लगता है अगर एक बार ये जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है अगर ये थोड़ा थमता है और वहां से काले सागर से जो कम्युनिटीज हैं जिनके जो जहाज वहां पे खड़े हुए हैं, शिपमेंट रुकी हुई है, अगर वो बहाल होती है फिर से रिज्यूम होती है तो एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा रहेगा और प्राइसेस क्या रहेंगे ओवरऑल? देखिए अभी की अगर ट्रेंड की बात करें ओवरऑल प्राइसेस कैसे रहेंगे, अभी हमने पिछले कुछ समय में प्राइसेस में अच्छा खासा बूस्टअप आते हुए देखा, लेकिन अब पिछले कुछ दो दिनों से लगातार देख रहे हैं कि मार्केट करेक्शन में है और इनफैक्ट सभी एग्री कमोडिटीज गिरावट के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही हैं, चाहे वो ग्वार हो, कॉटन हो या फिर मसालों की बात करें तो सभी में ऊपरी स्तरों पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है और अभी के लिए प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर जो करेक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज में आगे चलकर आपको निचले स्तरों पर की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर वायदा बाजार की, तो वायदा बाजार में आज देख रहे हैं कि बिनौला खल में कुछ दबाव और बनता नजर आया है। बिनौला खल में आज 2799 का लो लगा है, तो आपको क्या लगता है क्या आज इंट्राडे में बिनौला खल और करेक्शन दिखाएगा? देखिए आज बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अभी कॉटन की बात करें तो कॉटन में तो अभी मार्केट जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से मार्केट में खरीदारी लौटी है, लेकिन वहीं अगर बात करें बिनौला खल की तो बिनौला खल में मुझे कोई बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी दिखाई नहीं देती है। मेरे हिसाब से बिनौला खल में प्रेशर जो है वो कॉन्टिन्यूशन में बना रह सकता है और इसके अंदर 2700 का लेवल एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, जैसा आपने बताया कि कॉटन में तेजी लग रही है, तो कॉटन में हमने 46,000 के बाद आप देख रहे हैं कि 47,000 के ऊपर फिर से कॉटन चली गई है, तो क्या लगता है क्या कॉटन एक बार फिर से 50,000 का आंकड़ा पार करेगी? देखिए नहीं, 50,000 का तो अभी लेवल एक्सपेक्टेड नहीं है, मेरे को लगता है कि मैक्सिमम 47,000 के जो ऊपर अभी ट्रेड देखने को मिल रहा है 48,000 तक मैक्सिमम अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा फिलहाल तेजी अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी रूपा जी, देख रहे हैं कि आज मसालों पर भी कुछ दबाव बनता नजर आ रहा है। हल्दी देख रहे हैं, हल्दी भी 8,000 के नीचे लुढ़क चुकी है 7,950 पर, जीरा भी 21,150 पर है और धनिया की बात की जाए तो धनिया भी 11,200 के लेवल पर है। रूपा जी, देख रहे हैं कि मसालों में धीरे धीरे कहीं ना कहीं दबाव भी बनना शुरू हो रहा है, तो क्या लगता है क्या अभी एक हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, जो प्राइसेस है ज्यादा टूटेंगे नहीं? देखिए मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कि अभी समर सीजन के अंदर मसालों की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ बने रहते हैं, लेकिन फंडामेंटल इन सभी मसालों का अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लगातार मैंने यही बोला है कि इसमें डिप के अंदर आप बाइंग करके चलिए। आज भी आप देखिए धनिया जो है वो 11,300 पर आप पॉजिटिव ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट जीरा भी पॉजिटिव है, एक हल्दी को छोड़ दे तो दोनों ही कमोडिटीज में इसमें तेजी है। हल्दी में भी हम पहले प्रेडिक्ट कर चुके 7800 तक नीचे का लेवल एक्सपेक्टेड है, वो लेवल काफी अट्रैक्टिव होंगे बाइंग के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 7800 तक हल्दी नीचे में लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है और अभी के लिए बाकी मसालों में तेजी का रुझान बना रह सकता है। शॉर्ट टर्म में एक्सपायरी भी है अभी जून वायदा की, तो उसके चलते थोड़ा सा प्रेशर डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें मेंथा ऑयल की, तो मेंथा ऑयल में क्या लगता है? देख रहे हैं 1037 के लेवल पर है, दूसरा इस बार प्रोडक्शन भी कम रहने की खबरें हैं, तो क्या लगता है क्या चाइना जो इस समय फिर से लॉकडाउन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, अगर फिर से लॉकडाउन से बाहर आता है तो क्या मेंथा की कुछ डिमांड बढ़ेगी?
देखिए मेंथा एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी लंबे अरसे से एक सीमित दायरे में कारोबार करती दिखाई दे रही है और काफी वोलेटिलिटी भी इस कमोडिटी में देखने को मिली है। 200 के बाद काफी टाइम के बाद ये 1000 के ऊपर सस्टेन हुआ है और अभी जो इसका लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 900 से लेकर 1100 तक की अभी रेंज है। फिलहाल 200 पॉइंट के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है और आगे चलकर अगर डिमांड पिकअप होता है तो फिर इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1200 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। अगर प्रोडक्शन कम रहता है और वहां पर एक्सपोर्ट डिमांड्स निकलते हैं तो डेफिनेटली इसमें फिर 1200 का स्तर देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा मुझे तेजी नहीं लगती है। मुझे लगता है कि नीचे में 980 तो ऊपर में 1060 तक का लेवल बना रह सकता है। ठीक है जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या लग रहा है? ग्वार कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कि आज काफी ज्यादा टूट चुका है एनसीडीएक्स पर। ग्वार सिर्फ 5600 के दायरे में है और ग्वार गम 10600 तक का लो लगा चुका है, तो इससे क्या लग रहा है, क्या ग्वार में अभी एक हेल्दी करेक्शन आने वाली है? देखिए बिल्कुल जो अभी सिनेरियो बना है और यूएस में जिस तरीके का महंगाई देखने को मिल रही है उसके मद्देनजर अभी जो है जितनी भी एक्सपोर्ट कमोडिटीज थी उनमें सब में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। सीड तो पहले से ही प्रेशर में थी लेकिन गम भी अब डाउनसाइड में आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर क्रूड की डिमांड वहां पर इम्पैक्ट होती है तो उसके चलते गम की डिमांड पर भी असर आ सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइजेस अभी यहां पर थोड़ा सा डाउनसाइड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी टेक्निकली हम देखें तो 10000 का स्तर है। अगर उसके ऊपर अभी भी बना रहता है मार्केट तो वापस से रिकवरी आ सकती है क्योंकि अगर प्रोडक्शन की बात करें तो जिस तरीके से शुरुआत में प्रोडक्शन कम बताया जा रहा था लेकिन स्टॉक काफी अच्छा, कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छे हैं और फार्मर्स के पास भी माल काफी रखा हुआ है, और लेकिन इन लेवल्स के ऊपर फ्रेश डिमांड मार्केट में नहीं निकली है जिसकी वजह से प्राइसेस दबाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है। जी रूपा जी, वीट में क्या लग रहा है, क्योंकि वीट में तो देख रहे हैं कि प्राइसेस गिरे तो हैं लेकिन ज्यादा नहीं गिरे हैं एक्सपोर्ट बंद होने के बावजूद भी। दूसरा, अभी जो विदेश हैं, बाकी देश हैं, उनकी अभी भारत के सामने कतारें खड़ी हुई हैं जो लगातार भारत से डिमांड कर रही हैं कि भारत अपने गेहूं का निर्यात फिर से चालू करे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर भारत कुछ देशों को कुछ कुछ मात्रा में गेहूं का निर्यात अगर चालू कर भी देता है तो क्या फिर से आम जनता की जेब पर असर पड़ने वाला है, क्या आम जनता की गेहूं की रोटी फिर से महंगी हो जाएगी? देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड जरूर है कि एक्सपोर्ट एक बार फिर से खुल सकता है क्योंकि काफी देशों की तरफ से डिमांड की जा रही है और भारत सरकार को कि गेहूं का निर्यात खोल दिया जाए ताकि वहां पर जो गेहूं की किल्लत है उसको पूरा किया जा सके, और अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो फिर डेफिनेटली प्राइसेस के ऊपर इसका असर आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन सरकार ने एक्सपोर्ट इसी वजह से लगाया है कि यहां पर गेहूं की कीमतें ना बढ़े क्योंकि आम जनता के ऊपर इसका बोझ ना आए, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि तेलों के प्राइसेस काफी ऊपर गए थे, कपास काफी ऊपर जा चुका है, तो यहां पर भी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। धीरे धीरे माल जो है वो जरूर एक्सपोर्ट जो है वो किया जाएगा क्योंकि दूसरे देशों को अगर इसकी जरूरत है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट खुलेगा, और अभी जो यहां पर भी हमारे यहां पर भी प्रोडक्शन अच्छा खासा है और प्राइसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा, और बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी गेहूं पर आती हुई दिखाई नहीं दे रही लेकिन गिरावट भी नहीं है, यहां से प्राइसेस यहां पर सस्टेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है रूपा जी, खाद्य तेलों की बात की जाए तो खाद्य तेलों में क्या लगता है आपको, इंडोनेशिया से तो देख रहे हैं कि आयात हो रहा है अच्छा खासा, लेकिन इंडोनेशिया ने अपने एक्सपोर्ट टैक्स में फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जैसा हर बार होता है कि जब जब भारत आयात शुल्क में कटौती करता है या किसी भी प्रकार की ड्यूटी घटाता है या बढ़ाता है जिससे कि ज्यादा आयात किया जा सके खाद्य तेल का, तो तब तब देखा है कि विदेशी कंपनियों में दाम बढ़ा दिए गए हैं, ठीक वैसा ही अब होता नजर आ रहा है। दूसरा, अभी फेस्टिविटी भी सामने है तो क्या लग रहा है, क्या खाद्य तेलों में तेजी रहेगी या फिर जो खाद्य तेल के प्राइसेस हैं एज इट इज बने रहेंगे? देखिए अभी तो फिलहाल दबाव ही दिखाई दे रहा है सभी खाद्य तेलों में, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर जो तेजी है वो बनती हुई दिखाई देगी। अगर सरसों की बात करें तो सरसों में मंडियों में अभी फिलहाल आवक कम देखने को मिल रही है लेकिन प्राइसेस भी जो है वो प्रेशर के अंदर बने हुए हैं, रिफाइन की कीमतें भी जो है वो घटती हुई दिखाई दी है, और जो है सरसों की जिस तरीके से आवक घटी है उसका असर रिफाइन की जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर जरूर आता हुआ आगे चलकर दिखाई दे सकता है, और उसके बाद जो है प्राइसेस के ऊपर हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो गिरावट में ही दिखाई दे रहा है, लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी रूपा जी, सोयाबीन में भी हमने यहाँ पे तेजी आते हुए देखी है,
भारत में भी देख रहे हैं कि सोयाबीन बीज फिर से महंगा बिकने लगा है क्योंकि बुआई सीजन आ चुका है खरीफ का, तो सोयाबीन मुख्य फसल है खरीफ की, देख रहे हैं कि किसान महंगा बीज खरीद रहे हैं। और दूसरा, इसकी वजह से सोयाबीन की जो दाम है उसमें भी कुछ बढ़ता है। विदेशों में भी देख रहे हैं कि सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं वो लगातार तेजी की ही हो रहे हैं। चाइना लगातार अपना भंडार भर रहा है, स्टॉक कर रहा है सोयाबीन का, और यूएस के एक्सपोर्ट सेल में सोयाबीन के डेटा में पता लगा है कि वहां भी तेजी बनी है। तो इन सबसे आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी सोयाबीन के दाम बढ़ने वाले हैं? देखिए, अभी हमने पिछले कुछ दिनों में सोयाबीन की कीमतों में इजाफा आते हुए जरूर देखा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और वहां पर भी हमने देखा है कि जो सोयाबीन की कीमतें पहले लुढ़क कर 6000 तक आ चुकी थी, अब वापस से वहां पर सपोर्ट आया और 6800 तक जा चुकी है, क्योंकि काफी फार्मर्स ने एक बार फिर से इसको स्टॉक किया है और उसके बाद जो है जो प्राइजेस हैं वो सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अभी प्रोडक्शन जो है वो काफी गिरता हुआ दिखाई दिया है। अभी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत में प्रोडक्शन अच्छा रह सकता है, लेकिन अर्जेंटीना, चीन और ब्राजील में इसका उत्पादन काफी गिर चुका है, और इसके चलते थोड़ा बहुत सपोर्ट मार्केट ले सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सोयाबीन जो है वो थोड़ा सा तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं मंडियों की बात करूं तो मंडियों में फार्मर्स को अभी भी एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन जो है वो 10000 रुपए तक बिक सकती है, जो 6800 से 7000 रुपए के आसपास फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ऐसी लगाई जा रही है कि 7-10 हजार तक के जो है वो सोयाबीन ऊपर में जा सकती है, क्योंकि विदेशी बाजारों में जो तेजी देखने को मिल रही है उसके चलते भारतीय बाजारों में सोयाबीन के अंदर कुछ उछाल आ सकता है। ठीक है रूपा जी, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट है अभी और हर चीज भारत में खाने की सब्जी महंगी हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है भविष्य में आगे चल के सबसे अच्छा मुनाफा देने वाली कमोडिटी कौन सी होगी? देखिए, खाने पीने की चीजें जो भी होती हैं इन सब में फिलहाल तेजी का ही रुझान बनेगा, और आप देखेंगे ऐसे समय में इन चीजों के जो है वो डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि खाने पीने के आइटम जो है वो ही तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकती हैं। अगर कुछ भी कोई भी ऐसा सिनेरियो आता है, तो जैसे कि हमने कोरोना के केस में भी देखा, जो सभी कमोडिटीज के अंदर एक हाइक देखने को मिला था, तो एग्री कमोडिटीज का फ्यूचर काफी अच्छा है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज के अंदर एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्टिव से मार्केट अभी काफी अच्छे लग रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।